शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए गोपाल कृष्ण गांधी को आखिर किस आधार पर उम्मीदवार बनाया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि गोपाल कृष्ण गांधी ने आतंकी याकूब मेमन को बचाने के लिए याचिका लगाई थी और कांग्रेस ने उसी शख्स को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। कौन है नैरो माइंडेड? मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं, नैरो माइंडेड की डिफिनेशन आप बताइए। आपने राष्ट्रपति पद का चुनाव भूल जाइए, रामनाथ जी कोविंद की हिस्टोरिक विक्ट्री होने वाली है। आपको मैं एक ही सवाल पूछता हूं मैडम जी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आपने जिस उम्मीदवार का चयन किया है गोपाल कृष्ण गांधी, वो किस आधार पर और क्यों? यही गोपाल कृष्ण गांधी जिसने याकूब मेमन जिसने मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में बॉम्ब प्लॉटिंग किया था, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पाकिस्तान का एक मोहरा बन गया था ये, ऐसे याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए जिस गोपाल कृष्ण गांधी ने पूरी अपनी ताकत लगाई थी, राष्ट्रपति तक लेटर लिखा था, देश के सामने कहा था कि उनकी फांसी रोकनी चाहिए, ऐसे गोपाल कृष्ण गांधी को आप उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाते हो, ये कौन से माइंड है? नैरो माइंड है या बड़ा माइंड है आपका? एक बड़ा दिल है क्या आपका? आपको भी समझना चाहिए, देश भावना के खिलाफ गोपाल कृष्ण गांधी जी ने उस वक्त याकूब मेमन के फांसी रोकने के लिए एक मुहिम चलाई थी। ऐसे व्यक्ति को अगर आप इस देश के संवैधानिक पद पर बिठाना चाहते हो तो आपकी माइंड हमें चेक करनी पड़ेगी।